अरे रोक दो, रोको रोको मोदी चचा, एक बार रोक दो, मुझे नीचे उतार दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक पैर से मैं टेम्पू पे आधे घंटे से लटका हुआ हूँ, और मुझे यहीं पे उतार दो, आगे तो जाना नहीं है, किराया मुझसे ले लो, लेकिन यहीं पे उतार दो मुझे। अरे मोदी जी उतार दो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, आगे नहीं देख रहे हो क्या, आगे कोई खड़ा हुआ है? अरे आगे पुलिस है मोदी जी, पुलिस है। मैं परसों चोरी किया था तो मैं इसी के इल्जाम में मुझे भी पुलिस ढूंढ रही है, यहीं पे मुझे उतार दो, आगे नहीं जाऊंगा मैं। अखिलेश तू जब भी बोलता है कुछ ना कुछ तू गलत ही बोलता है। अरे तेरी जुबान रुकती नहीं क्या? हमेशा तू ऐसे मनहूस बातें बोल देता है कि जब भी देखो तब तू मेरा चालान कटवा देता है। अरे चोरी करके आया था तो तू इस पे क्यों बैठ गया था? किसी और टेम्पू पे बैठ जाता, मेरे टेम्पू पे क्यों बैठा? अरे पुलिस हमको तो दूर दूर तक तो नजर नहीं आ रही, तेरी नजर कितनी साफ है। अरे हाँ अखिलेश तू तो सही कह रहा है, बिल्कुल पुलिस तो सामने आ चुकी है। रुको रुको रुको, रोकता हूँ अभी। अरे रोको मोदी जी, रोको अपना टेम्पो, रोको फटाफट। तुम्हें बार बार समझाता रहता हूँ कि अपने टेम्पो में ओवरलोडिंग मत किया करो, लेकिन तुम कभी मानते नहीं हो मेरी बात। आज तो तुम्हारा चालान कट के रहेगा 10,000 रुपये का, आज तुम्हारा चालान मैं काट दूंगा, क्योंकि तुम रोज रोज तुमसे बोलता हूँ लेकिन तुम सुनते नहीं हो, और पर डे यहाँ पे 20 सवारी ओवरलोडिंग करके चलते हो। रुक जाओ, रोको फटाफट। अरे नमस्कार सर जी, आपका क्या सेवा पानी करूँ? आज चालान मत काटो, थोड़ा सा ओवरलोडिंग हुआ है, अभी बोनी का समय है, अभी थोड़े से सवारी बैठी, अभी बोनी नहीं हुआ है, नहीं तो मैं चालान कटवा लेता और आगे से ध्यान रखूँगा, कभी मैं ओवर सवारी नहीं लोडिंग करूँगा। बताओ साहब क्या सेवा पानी करूँ आपका, कुछ बताओ जरा। अरे नहीं मोदी जी नहीं, आज तुम्हारे बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए आज तुम मेरा सेवा पानी क्या करोगे? आज तुम्हें ले चलता हूँ तुम्हारे थाने में, तुम्हारा खूब अच्छे से सेवा पानी करता हूँ, क्योंकि तुम्हें रोज़ रोज़ समझाने से अच्छा तुम्हारा सेवा करना ही पड़ेगा थाने के अंदर। अरे हमारा सेवा क्या करोगे, हम तुम्हारे सेवा करने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं। अगर तुम नहीं माने तो आज तुम्हारे थाने में अच्छे से सेवा पानी। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अरे अब ऐसी ऐसा करो, फटाफट हथौड़े चलाओ भाई, क्योंकि मैंने और भी ऑर्डर, दो ऑर्डर अभी नया नया ऑर्डर पकड़ा है, उसमें तुम्हें बनाना है 500 हथौड़ी और 500 बनाना है फावड़ा, और भी जो भी बताएगा बंदा वो और बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अपने हथौड़े जो है फटाफट हथौड़े चलाओ, क्योंकि ये हथौड़ा बहुत धीमे चला रहे हो, काम धंधा कुछ दिख नहीं रहा है। आज तुम एक फावड़ा बनाने में इतना टाइम लगा रहे हो, ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर धंधा पानी वैसे ठप पड़ा हुआ है, ऐसा करो फटाफट काम करो, और इन्हें योगी से ज़्यादा काम लेना, क्योंकि ये काम करने में बहुत ज़्यादा लापरवाह है, तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें काम लेना है। अरे मोदी जी तुम ऐसा मुझे क्यों बोलते रहते हो? अरे सारा दिन हथौड़ा चलाते चलाते मेरे गर्दन बिल्कुल दर्द करने लगा है, ये योगी तो पंखा चलाता नहीं है, मुझे कच्चे लोहा उठा करके पीटना पड़ता है, हथौड़ा उठाते उठाते मेरे पूरे हाथ दर्द करने लगे हैं। कल तुमने उसे परेशान कर लिया राहुल को, वो आज नहीं आया, अरे आज मुझे परेशान कर रहे हो, और इधर ये योगी तो काम चोर है, काम करता नहीं है, मुझे काफ़ी तंग कर रखा है। ऐसा करो कोई दूसरा बंदा ला कर दोगे तो मैं काम करूँगा। और बात कर रहे हो ऑर्डर की, इतना ऑर्डर, एक ऑर्डर तो खत्म नहीं हुआ, दूसरा ऑर्डर तैयार कर देते हो, मैं काम नहीं करूंगा जब तक योगी को कुछ बोलोगे नहीं। क्यों भाई योगी तू क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? यहाँ पे मेरा अभेशी अकेले हथौड़ा चलाता चलाता परेशान हो जाता है, जब देखो तेरी शिकायत मिलती रहती है। क्यों नहीं पंखी चलाता है भाई? कच्चे लोहे तो बर्बाद हो जाएंगे, इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं, धंधा पानी भी अच्छा चलने लगा है, तो तू काम में लापरवाही क्यों करता है? अगर ऐसा करना है तो कल से मत आना, मैं अमित शाह या तो राहुल को बुला लूंगा, वो तो अच्छे काम करते हैं, ऐसा करोगे तो कल से तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अरे अवेशी भाई तुम अच्छे से काम करो, मैंने इन्हें समझा दिया है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो कल से इन्हें नहीं बुलाऊंगा। जी हमको ताने मत सुनाओ ठीक है, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा, 4-5 दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, कल राहुल ने बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो चला गया, लेकिन मेरे पीछे मत पड़ो, काम पर रखना है तो रखो, मेरे पास काम की कमी नहीं है, मैं कहीं और जाके देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? भाई लोग वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बुलडोजर बाबा ये हमारा काम कर दो, हमारे गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा अपने गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के मुझे दे दो तो मैं चला जाऊंगा। मेरे गाड़ी में अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया था, यहाँ तक मैं कैसे भी लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो बुलडोजर बाबा, बहुत ही मेहरबानी आपकी हो जाएगी। मुझे जाना है अमित शाह जी के घर, तो मैं पैदल तो जा नहीं सकता, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और गाड़ी में तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, हल्का फुल्का भी नहीं है, मैं नीचे पटक करके भी देख लिया
गाड़ी में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पेट्रोल या दे दो यहाँ पे, या तो बिक रहा है या तो थोड़े पैसे दो तो मैं खरीद लेता हूँ, ऐसा ही कर लो थोड़ा सा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे अखिलेश जी, पेट्रोल मांगने से थोड़ी मिलता है, पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में ऐसा लग रहा है तुम्हें कि फ्री में पेट्रोल बढ़ रहा है यहाँ पे। अरे मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो तो अपनी गाड़ी से मैं पेट्रोल निकाल करके तुम्हारे गाड़ी में डाल देता हूँ 100-200 ग्राम, तो हमें शाहजी के घर भी पहुँच जाओगे और तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी। ऐसा अगर कर सकते हो तो बता दीजिए, मैं पेट्रोल अभी के अभी डाल देता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो घर से क्यों निकल पड़े थे? अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो मुझे थोड़ा सा पैसे दो, 200 रुपये दे दो, मैं पेट्रोल दे देता हूँ तुम्हें 100-200 ग्राम। वैसे फ्री का तो मिलने वाला है नहीं, मैं फ्री में तो नहीं दूंगा। अगर डलवाना है तो ठीक है, नहीं मोदी जी को बुला लो और गाड़ी में धक्के लगवा करके पहुंच जाओ वहाँ पे, वो भी ले लेंगे 150 रुपये, हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे बुलडोजर बाबा, इतना महंगा थोड़ी पेट्रोल है, इतना महंगा बता रहे हो। अरे 200 रुपये का तो 2 लीटर पेट्रोल मिल जाएंगे, इतने महंगे थोड़ी है तुम 200 ग्राम के 200 रुपये कैसे मांग रहे हो? अरे हम मोदी जी से बोल ले, मोदी जी 20 रुपये ले लो, तुम हमारे गाड़ी में धक्का लगा दो, हम तुमको 20 रुपये दे देंगे। ये बुलडोजर बाबा ये भी सोच रहे हैं कि इनके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं इतने पैसे मांगूंगा तो ये दे देंगे, लेकिन मैं ऐसा करने वाला हूं नहीं, चाहे मैं पैदल चला जाऊंगा। अरे ऐसा करो मोदी जी, तुम मेरे गाड़ी में धक्का लगाओ, 20 रुपये तुम लेना। अरे अखिलेश, मैं तुम्हें फालतू घूमता दिख रहा हूँ क्या जो 20 रुपये बता रहे हो? 20 रुपये में तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलती जो मैं पी लूंगा धक्के लगा करके। ऐसा करो तुम 100 रुपये मुझे दो तो धक्के लगाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 20 रुपये में थोड़ी धक्का लगाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों। वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।